डॉक्टर महेश शर्मा जी, लोकमंच बहुत अच्छे से चला रहा है, चाहे लाइब्रेरी है, और मुझे लगता है ये तीसरा भी इनिशिएटिव जो आज शुरू हो रहा है, ये छोटा और छोटी अवधि का इनिशिएटिव ना रह के आगे सालों तक चलने वाला अच्छा इनिशिएटिव रहे, जिसको फ्यूचर में हम लोग भी कभी नोएडा आए तो याद रखें कि ये इनिशिएटिव हमारे समय शुरुआत हुई थी। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे हमारे सीनियर्स के मिश्रा जी, डॉक्टर जेपी शर्मा जी, नोएडा लोकमत से उपस्थित वही सक्सेना जी, डॉक्टर सक्सेना जो इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं, बहुत सारे अन्य डॉक्टर्स जो नोएडा लोकमंच के दवा बैंक इनिशिएटिव से जुड़े हैं, पुनर्वा से योगेंद्र शर्मा जी, मिस्टर जैन, नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन से मदन जी, नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन से कुशल पाल जी यहाँ उपस्थित हैं, नोएडा अथॉरिटी से बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, नोएडा दवा बैंक में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले नोएडा के रेजिडेंट्स, मीडिया बंधु, सबसे पहले आज के इस नोबल इनिशिएटिव के लिए नोएडा लोकमंच की पूरी टीम, हमारे जितने भी यहाँ फाउंडर मेंबर्स बैठे हुए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और निश्चय ही नोएडा लोकमंच के जो शहर में पुराने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स चले आ रहे हैं, चाहे आज यहाँ सेक्टर 12 में नोएडा लोकमंच द्वारा निःशुल्क दवा बैंक का शुभारम्भ किया गया है। यह एक प्रयास है जिसके माध्यम से जो भी नीडी लोग हैं उनको फ्री में मेडिकल सुविधा, मेडिकल दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप के साथ कोई भी व्यक्ति वर्किंग आवर्स में यहाँ पे आ सकता है। लोकमंच के द्वारा यहाँ पे प्रॉपर फार्मासिस्ट की, डॉक्टर्स की टीम रखी गई है और मेडिसिंस को स्टॉक करने का उनकी सुपरविजन के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है। तो ये एक अच्छा प्रयास है नोएडा अथॉरिटी द्वारा, इसको आगे बढ़ाते हुए जो ये कम्युनिटी सेंटर का स्पेस है लोकमंच को उपलब्ध कराया गया है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में ये एक पहल है जिसके माध्यम से जो भी शहर के ऐसे लोग हैं जिनको दवाओं की आवश्यकता है और जो उसके लिए संसाधन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको निशुल्क सुविधा इसके माध्यम से दी जाएगी। नोएडा के कितने क्षेत्रों में ये बैंक है? अभी एक ही जगह है ये और सेंट्रलाइज बैंक है, बाकी इसके कलेक्शन के मैकेनिज्म्स के लिए जगह जगह कमर्शियल एरियाज में और RWS के माध्यम से लोकमंच प्रयासरत है कि पहला इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो, दूसरा क्योंकि ये निःशुल्क सुविधा है तो अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े, उसके लिए RWS से ये लगातार संपर्क। नोएडा प्राधिकरण की भूमिका इसमें ये है कि जिस परिसर में लोकमंच द्वारा ये दवा बैंक खोला गया है वो परिसर नोएडा प्राधिकरण ने उपलब्ध कराया है, और बाकी इस परिसर को आगे अगर कोई और इसमें कार्य की रिक्वायरमेंट हुई तो वो सब कार्य नोएडा प्राधिकरण यथासंभव कराएगा। साथियों, ऐसे लोग आदर्श संस्था से जुड़े हैं और हमारे शहर की पहचान बने हैं। मैं नमन करता हूं डॉक्टर जी सक्सेना जी, भाई ब्रह्मपाल जी ने तो इस शहर में एक नई पहचान बनाई है। जेपी शर्मा जी से भी मेरा लगभग फूड कॉरपोरेशन से लेकर अब तक का लगातार संपर्क रहा। साथियों, ये इस वक्त हम समाज को क्या दे सकते हैं, ये लोग वो पहचान बताते हैं। हम यहाँ से बाहर निकले, किसी भिखारी को 100 रुपये दे दें, आप 500 रुपये दे दें, आप उसके पाँव नहीं छूते, नमन नहीं करते, आप उसके साथ सिंपथाइज करते हैं, सांत्वना देते हैं कि बेचारे को मैंने 500 रुपये दिए। आप उसके किसी तरह का भी श्रद्धा भाव आपके दिल में उसके प्रति नहीं होता। श्रद्धा भाव अगर होता है तो गिवर के रूप में होता है, जिसका हाथ यूं होता है। और अगर भगवान हमारा हाथ यूं कर दे बजाय यूं के, इसी संस्था के प्राण में जब मैं शुरुआत के अंदर पहली बार मिला महेश सक्सेना जी से, तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा शब्द है, जब भी कभी कोई आप सामाजिक कार्य ऐसा करना शुरू करते हैं तो एक बड़ा भगवान राम का उसमें संदेश छुपा होता है, रामा, RAMA, आर मीन्स आउटराइट रिजेक्शन। ये नवाज सक्सेना जी समाज सेवा करने आए, इसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा क्या है, कहीं विधायक सांसद का चुनाव तो नहीं लड़ना है? 30 साल मुझे हो गए देखते हुए, कभी कहा भी नहीं कि मुझे सांसद विधायक बनना है। अध्यक्ष तो कहते हैं मेलो इन डाउन, चलो यार इसे स्वीकार कर लेते हैं, सुन लेते हैं इसकी बात, साल दो साल और देख लेते हैं। और आज वो लोकमंच अपनी अंतिम स्थिति के अंदर है, एक्सेप्टेंस, अंतिम स्वीकार्यता कि भाई संस्था में कुछ तो है। मैं भी वास्तव में जब महेश सक्सेना जी से परिचय हुआ 30 साल पहले तो मैं भी इनके घर गया देखने, मैंने कहा अधिकांश तो संपन्न हुए, नोएडा ने बहुत दिया है, कोई शक नहीं इसमें,
और दूसरी बात यह है कि यहाँ लोगों में संवेदनशील इतने हैं कि वो अपने नोएडा के मान को बढ़ाने के लिए तरह तरह से प्रयास करते हैं, अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज लाते हैं। कोई भी संस्था हो, चाहे हमारे बैठे हुए युवा साथी और चाहे दूसरे लोग, महिलाएं बहुत यहाँ एक्टिव हैं, तो ये जो सोच है हमने पाया। एक डॉक्टर साहब ने दो घटनाएं बताई, थोड़ा मैं भावुक हो जाता हूँ, अभी डॉक्टर साहब ने दो घटनाएं बताई, दो मुझे याद आ रही। जब भुज में आपदा आई, डॉक्टर साहब 26 तारीख को आपदा आई थी और 30 जनवरी को हम डॉक्टर महेश और डॉक्टर नयन गुप्ता तीन लोग गए थे और अहमदाबाद तक तो पहुंच गए हवाई जहाज से। वहां से जो भुज की टैक्सी ली है और 400 किलोमीटर चले रात भर में हम लोग, और वहां जाके जब हमने देखा भुज में सारा बर्बादी और खाने के लिए हम लोग खाना नहीं मिल सकता था, तो हम लोगों ने गुरुद्वारे में जाके कढ़ी खाई थी, कोई चाय नहीं थी, कुछ नहीं थी। और वहां देख के